हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी शाफ्ट में, चाहे वो गियर बॉक्स का शाफ्ट हो, अगर उसमें हमको बेयरिंग फिट करना हो या फिर हमको उसमें गियर फिट करना हो, गियर व्हील फिट करना हो, तो उसको हमको पहले हीट करना पड़ता है। तो हम उसको आखिर हीट क्यों करते हैं? हीटिंग दो तरीके से किया जाता है। एक तो या तो ऑयल से हीटिंग किया जाता है। ऑयल में जो भी हमारा पार्ट्स है, जैसे कि ये बेयरिंग है और गियर है, उसको ऑयल के अंदर डुबा दिया जाएगा एक टैंक में और हीट किया जाएगा। नीचे आप गैस के टॉर्च से भी हीट कर सकते हैं, चाहे कुछ किसी भी आप अदर ऑप्शन से भी उसको हीट कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड होता है जिसमें कॉइल का यूज किया जाता है, हीटिंग कॉइल का, और वहां पे भी हीटिंग किया जाता है। तो हीटिंग क्यों किया जाता है? एक्चुअली में हीटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो गर्म होता है तो वो एक्सपांड होता है, मतलब फैलता है, जिसे कि एलोंगेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से उसे हीट किया जाता है ताकि वो आसानी से शाफ्ट में फिट हो सके। तो इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं, एक टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है और नीचे पे यहाँ पर फ्लेम है, कटिंग टॉर्च है जिससे हीट किया जा रहा है। और इसका टेम्परेचर जब है, हमारे ऑयल का टेम्परेचर अप्रॉक्स 150 डिग्री के ऊपर हो जाएगा, तब हम उस बेयरिंग को निकाल करके शाफ्ट में डाल देंगे, गियर को निकाल करके शाफ्ट में डाल देंगे। हीट होने की वजह से जो शाफ्ट में डलने वाला बेयरिंग है और उसमें जो डलने वाला गियर है, उसका डाया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो गर्म है, और उसको आसानी से फिट कर दिया जाएगा। जब वो वापस ठंडा होगा फिर वो शाफ्ट पे अच्छे से टाइट फिट हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिटिंग का मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ किसी कारणवश, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।